नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगल के दिनों के बारे में। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दिनों को याद किया है। एक ऐसा वक्त था जब मिथुन चक्रवर्ती के पास कुछ भी नहीं था। मिथुन खुद कहते हैं कि वो फुटपाथ से आए हैं और एक ऐसा वक्त था जब वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन एक ऐसा मौका मिला। बॉलीवुड में एक ऐसी शुरुआत हुई कि जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिर पीछे मुड़कर के नहीं देखा और उसके बाद बन गए बॉलीवुड के डिस्को डांसर। क्या थी ये मिथुन चक्रवर्ती की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती के पास ना तो छत थी और ना ही खाने का कोई ठिकाना था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कई किस्से लोगों के सामने रखे हैं, फैंस को बताया है कि कैसे उनके स्ट्रगल के दिन थे। मिथुन चक्रवर्ती ने हाल में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मिथुन ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। मैं सच में फुटपाथ से आया था। मैंने मुंबई में ऐसे भी कई दिन देखे हैं जिसमें मैं गार्डन में सोता था, कभी कभी होटल के बाहर सो जाता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे मटुंगा जिमखाने का सदस्य बना दिया था ताकि मैं सुबह वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकूं। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती मटुंगा जिमखाने में फ्रेश हुआ करते थे और दिन की शुरुआत वहीं से करते थे। मिथुन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अगला खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ मैं सोऊंगा। मिथुन आगे कहते थे कि मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनने के बाद लोग उम्मीद खो सकते हैं। मिथुन ने कहा कि एक समय था जब मैंने सोचा कि अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। एक वह समय था जब मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कारण कलकत्ता वापस नहीं जा सकता था। मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सका। बताते चले कि मृग्या की रिलीज के बाद ही इंडस्ट्री को मिथुन की प्रतिभा का एहसास हुआ, पहचान मिली। थोड़ा समय लगा, लेकिन डिस्को डांसर जैसी फिल्मों के बाद मिथुन ने बड़े पर्दे पर अपनी एक नई पहचान बनाई। मिथुन का करियर इतना आसान नहीं था। मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में रिलीज हुई फिल्म मृग्या से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। हालांकि एक समय ऐसा था जब वो स्ट्रगल में थी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के बदौलत उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की और आज मिथुन का नाम ना तो अभिनेता के रूप में सामने आता है बल्कि एक राजनेता के रूप में भी सामने आता है। बॉलीवुड और पॉलिटिकल लाइफ दोनों में ही मिथुन चक्रवर्ती आज अपने दम पर अपनी कहानी रच रहे हैं। उम्मीद करते हैं मिथुन चक्रवर्ती का ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।